अभी नेक्स्ट चलते हैं फोर के तरफ। फोर जनरली जनरली लोग कहें कि फोर एंड एट दोनों बुरा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुद ही सोचिए, जब आप थ्री पे कुछ न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अटैचमेंट, न्यू कुछ भी स्टार्ट कर लीजिए, तो वो हमें थ्री जब चलता रहेगा प्रीवियस ईयर, तो तभी हमें पता चल जाएगा कि नहीं, क्या हमें दूसरों को बुरा लगता है, दूसरों को अच्छा लगता है, यानी कि क्या हमारा बुरा ही है, अच्छा ही हमें पता चल जाएगा। तो वो ही काम आएगा फोर पे। हमने जो प्रोडक्ट बाहर भेज दिए उसी का अभी रिजल्ट फटाफट से आने लगेगा, यानी कि 10 गुना से आएगा, 100 गुना से आएगा, यानी कि ये एक नोटेबल पीरियड बनेगा आपके लाइफ का। फोर अगर किसी का पर्सनल ईयर हो जाएगा तो ये साल क्या होगा, ये साल का मतलब 2020, नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ, यानी कि जिसका भी फोर आ जाएगा पर्सनल ईयर, तो वही साल उनको क्या होगा ना, जो भी पहले से किए होंगे काम उसी का रिजल्ट आपको सडन सडन से यही ईयर मिलेगा। ऑप्स यानी कि मैंने देखी हूँ, डाउन से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट होते हुए मैंने फोर पे देखा हूँ। अगर किसी का कंपाउंड भाग्यांक फोर होगा या 44 होगा या फोर भी अटैच होगा, तो उनको बहुत फायदा देता है ये ईयर। क्योंकि खाली में एक ही बात नहीं कहना चाहती, किसी का कंपाउंड भाग्यांक के साथ रिलेटेड रहता है, भाग्यांक के साथ रिलेटेड रहता है, यानी कि मूलांक के साथ। लेकिन भी फोर, जिनका भी पर्सनल ईयर फोर आएगा उनके लिए चारों तरफ से देखे बहुत अच्छा है। लेकिन फोर किसको दिखाता है, एक स्क्वेयर को, यानी कि आप एक बंधन में बंधे हुए होंगे। आपको लगेगा कि नहीं मैं रेस्ट्रिक्ट हूं, यानी कि मैं उसको पार करके नहीं जा पा रही हूं, क्योंकि स्क्वायर पे आप अंदर रह जाएंगे। फिर भी ये रेस्ट्रिक्शन अच्छा है, क्योंकि ज्यादा जब आपको सडन ऑफ्स एंड डाउन्स आएगा उससे बचने के लिए आपको फायदा देगा वही रेस्ट्रिक्शन। तो इसीलिए आपको आपका ये लाइफ का नोटेबल पीरियड होगा, अच्छा ग्रोथ होगा, आपका दिमागी ग्रोथ भी होगा, फोर आ जाएगा, दिमागी भी ग्रोथ होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं फाइव के तरफ। फाइव क्या है, फाइव बुध है, सबसे प्यारा नंबर है मेरे तरफ से, तो सबसे अच्छा नंबर फाइव है। तो वो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, आप जो बातें करेंगे दूसरों को अच्छा लगेगा। आप खुद ही सोचिए, आप अगर स्टेबिलिटी होके कुछ बोलेंगे तो दूसरों को वो सुनना सुनने में अच्छा लगेगा, नहीं बोलेंगे कि नहीं प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। तो आपका अगर अगर पर्सनल ईयर यानी कि ये नंबर आ जाएगा, इंडिविजुअल नंबर फाइव आ जाएगा, वही साल आप अच्छा अच्छा दूसरों को बातें करेंगे, दिमाग से बातें करेंगे कि नहीं उसका मन खराब ना हो, ऐसे में करूं वो भी समझ जाए, लेकिन मैं भी जो बोलना चाहती हूँ वो भी बोल दूं और वो भी समझ जाए। तो वो समझदारी का होता है, फाइव नंबर समझदारी का होता है, और बैलेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। वो बिजनेस का भी होता है, खरीदने का है, बेचने का, तो ये उसी का ही नंबर है फाइव नंबर। तो आपके घर में आप मेटेरियल सुखों को भी भोगेंगे, क्योंकि जनरली बुध उसी का भी सुखों को देने वाला कारक भी होता है। तो इससे देखे तो ये साल आपका खाली बेचने में, खरीदानी में कुछ स्किल, यानी कि आप बुद्धिमानी का एंड खरीदारी का, ये दोनों को मिक्स करें तो आपका ये साल ऐसे ही चलेगा, और कुछ दिमाग वाला बातें भी कर सकेंगे, क्योंकि पहले से अगर दिमाग चलता नहीं होगा कि ये साल आपके अंदर दिमाग आएगा। तो ऐसे देखे तो अच्छा ईयर है। मैं कहती हूँ कि वन जैसा अच्छा ईयर है कैरियर का, टू जैसा अच्छा ईयर है फैमिली का, थ्री न्यू बिगिनिंग का अच्छा ईयर है, फोर आपको जो भी लाइफ में कुछ भी देगा वेल्थ, तो वो फोर है, एंड फाइव होगा स्टेबिलिटी का, यानी कि आपके पास धन आने के बाद क्या खरीदेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, घर हो सकता है, कुछ गाड़ी हो सकता है, तो ऐसे में ये फाइव नंबर होता है।